नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, और इसमें हम इफ कंडीशन के साथ डिस्कस करेंगे। गैरी जी हमारे साथ ज्वाइन है आयरलैंड से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो गैरी जी ज्वाइन कर चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ इस क्लास में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जैसे कि कल की क्लास में हमने आपको इफ कंडीशन बताया था, इफ में एंड और का इस्तेमाल करना सिखाया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर। तो आज हम आपके साथ इफ के कुछ क्वेश्चंस जो है रखते हैं, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके सर, लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज थोड़ी सी कौन सा आंसरिंग भी होना जरूरी है। तो मेरे पास एक फाइल है जो कि हम लोग एक्सेल की इफ फॉर्मूले में देते हैं। इफ कंडीशन राइट, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम इसको करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में है हमारे पास कि अगर ग्रेटर देन 40 है, कमीशन हमें देना है, इसमें में कमीशन देना है कि अगर ग्रेटर देन 40 है, इसको इफ और विदाउट इफ दोनों करना है। ठीक है सर, अगर कंडीशन ग्रेटर देन 60 है तो क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कंडीशन ग्रेटर देन 40 है, 60 है तो 40 से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टार्ट है आपका C2 से लेके C13 तक। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने कोड इसमें। यहां हम सब्जेक्ट देते हैं इफ अंडरस्कोर if underscore one bracket open close, और यहां लूप लगेगा कि 4i equal to चले 2 आपका 13। और नेक्स्ट यहां हम i देते हैं, और यहां देते हैं कि if range B3 माफ कीजिएगा B3 से स्टार्ट होगा। इन्वर्टर कमांड मैं यहां लिखता हूं B3 कॉन्कैटेनेट i डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन रेंज C, इसके साथ हमने i को जोड़ा डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज B3 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 40। सुनाया सर? कहीं सर सुनाया आपको ये? हाँ जी सर। तो दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर, पर एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने अभी वो लूप गया है 3 to 13 में, ओके वो तो हमने रो के अकॉर्डिंग लाया, रो के अकॉर्डिंग लगाया है। अगर हमें रो पता ही ना हो, पर मुझे ये पता हो कि मैंने इसमें लूप सिर्फ 6 बार लगाना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ हम करेंगे रेंज एस 65,000 एंड एक्सेलस आप रो। ठीक है, ओके। क्या करेगा, यहां ए 65,000 पे जाएगा, तो यहां से ऊपर कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा, लास्ट जहां पहुंचेगा कर्सर उसका नंबर दे देगा। ठीक है सर, ओके।
और मैं इसको इसको रन करता हूँ, तो रन कर मैं यहाँ रन करता हूँ। अभी वो नीचे से ऊपर जाएगा सर, नो इसको यहां से रन किया, एक भी नहीं आया वैल्यू 60 बी, ओके बी 3 हमने कर दिया हुआ है, यहां भी बी 3 आ गया रिजल्ट सर। डाउट इसमें नहीं। अब इसी को आप बिना किसी इफ कंडीशन यूज किए बना सकते हैं सर, वन बाय वन करना पड़ेगा? नहीं, वन बाय वन भी नहीं करना है, मतलब इफ बाकी सब चीजें लेनी है, इफ कंडीशन नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, मैंने विदाउट यूजिंग इफ आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर टू बनाई लेंगे आप। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल, तो दिक्कत है इसमें? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर स्टडी एंड लोकल ग्रेटर देन 200 है तो स्टडी, अदरवाइज लोकल, बना लेंगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में है कि अगर टैक्स, मैं एक्सेल का रहने देता हूँ, ठीक है, किसी से टैक्स है 500 से ऊपर है तो 12% अदरवाइज 5%। क्वेश्चन नंबर फाइव में अगर टाइमिंग 12 बजे से ऊपर की है तो एनपी, अदरवाइज 40। क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने आता है, सिक्स आता है, इसमें क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट है अगर वो पास है तो यहां पे आएगा पास, अदरवाइज फेल, मतलब ग्रेटर देन 33 होना चाहिए एवरी सब्जेक्ट में। इसका मैं एक्सप्रेशन बना देता हूं, सब्जेक्ट यहां पे एफ अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे हम देंगे 4 I इक्वल टू, चले ये आपका 2 से ही है, 2 से कितना है 40, अब यहां पे हमें यहां पे कंडीशन देना है कि इफ रेंज के साथ हमने आई को कंसिडर किया, डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर यहां पे एंड देना है, बी के बाद सी डी ई एफ ऐसे ही करते जाना है। फिर वापस यहां एंड और यहां पे डी और फिर यहां एंड, उसके बाद दैन ई, तो क्या हो, तो यहां पे मैंने बोला एफ और ए इक्वल टू पास, एल्स में सेम देते हैं और बोलते हैं कि भाई फेल होगा। और यहां पे समझे सर? ठीक है, अब इसे एक बार प्ले करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओहो, हमने चार ही सब्जेक्ट का हमारा,
अब इसको आप, मैंने तो इसको एंड के साथ किया है ना सर, आप इसको बगैर एंड के साथ नेस्टेड इफ के थ्रू करके दिखाएंगे, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका भी ग्रेडिंग सिस्टम इंसेंटिव सिस्टम है कि इस स्लैब के अकॉर्डिंग इंसेंटिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका और है, जैसे एन लगाया था कि भाई इसमें पैन नंबर और इसमें से कोई एक होना चाहिए, दो हमें तो आईडी प्रूफ चाहिए, इसमें से पैन तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम डिस्कस करेंगे मंडे को आपके साथ, ठीक है? ठीक है, तो इसको कीजिए अभी बैठ के, क्योंकि फ्राइडे हमारा प्रोजेक्ट एंड क्वेश्चन डे होता है ना। ओके, तो आज इसको कीजिए, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की प्रॉब्लम को, ठीक है?